तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इग्नू के आरसी दिल्ली 3 की ओर से आपके दिसंबर 2023 के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिंक्स हैं वो आपके यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका आरसी दिल्ली 3 की ओर से पीडीएफ शेयर किया गया है, जिसको देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने जो असाइनमेंट्स हैं दिसंबर 2023 के वो आपको सबमिट करने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर कॉलेजेस के बारे में बताया गया है, काफ़ी सारे स्टडी सेंटर्स के बारे में, जिनके जो लिंक्स हैं वो भी अंडर प्रोसेस में हैं, तो ये आपके कुछ दिनों बाद अपडेट कर दिए जाएंगे। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं, जिनका भी स्टडी सेंटर होगा आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज, तो इसमें आप यहाँ पर गाइडलाइंस देख सकते हैं, इस लिंक पर जाकर आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी गाइडलाइंस आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन की वो है 30 सितंबर 2023, लेकिन आपकी इस लास्ट डेट को आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसके लिए आप कोई भी टेंशन ना लें। तो जैसा कि जो ये गाइडलाइंस हैं, पहले आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ लें, देन उसके बाद ही अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको आप सबमिट करें। आप यहाँ पर गाइडलाइंस एक बार दिख जाएंगी, देन उसके बाद जैसे यहाँ पर जो लिंक दिया गया आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। तो आपको इस वाले स्टडी सेंटर के जो असाइनमेंट्स हैं आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद सबमिट करने हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिनका भी स्टडी सेंटर है आर्मी हॉस्पिटल, तो उनके लिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस दे रखी हैं कि प्लीज़ ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने ये आर्मी हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स हैं, तो इन सभी को इस जीमेल पर जाकर अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। लेकिन जो अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ बनाएंगे, उन पीडीएफ में आपके फर्स्ट पेज पर आपका आई कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, और साथ ही फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, उसके बाद आपके जो आंसर हैं आपके वो होने चाहिए। तो आपको इस तरीके से अपना पीडीएफ बनाना है। अब वही बात रहती है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आप सभी कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, साथ मैंने वो वीडियो आपकी आई बॉक्स में लगा दिया, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप देख पाएंगे कि अभी आपके बाकी और भी स्टडी सेंटर्स हैं, जैसे कि दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो यहाँ पर आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो अपने स्टडी सेंटर में जाकर ही सबमिट करने हैं, जो कि आप सिर्फ संडे को ही सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की। इस तरीके से जिनका भी स्टडी सेंटर है द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, तो अभी इनका अंडर प्रोसेस में है। इसी तरीके से आप बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि किनका अंडर प्रोसेस में और किनको अपने जो असाइनमेंट्स है वो कैसे सबमिट करने हैं। वहीं आप देख पाएंगे कि जिनका राजधानी कॉलेज स्टडी सेंटर है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर लिंक दे रखे हैं, तो इन लिंक पर जाकर ही आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। तो जैसा कि आपका स्टडी सेंटर का ये गूगल फॉर्म आपका ओपन हो गया है, आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2023। तो फर्स्ट पेज पर आपकी इन सभी डिटेल्स को आपको लिखना है, जो कि आपका कंपलसरी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल भरना है, रोल नंबर आपका नेम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, देन आपको जो भी प्रोग्राम होगा आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, साथ ही फिर आपका कोर्स कोड होगा आपको वो सिलेक्ट करना होगा कि आप किसके जो अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। याद रहे कि आपको 1 बाय 1 ही आपका यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो सबमिट होगा। फिर जो आपकी पीडीएफ फाइल होगी, जो भी अपने असाइनमेंट्स की आपने बनाई होगी, वो आपको यहाँ से ऐड करनी है, या अपना फ़ोन नंबर डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर ही आपको शो हो जाएगा कि योर असाइनमेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। वही एक तरीके से आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा, जिससे कि आप अपने स्टडी सेंटर्स में दिखा सकते हैं कि देखिए हमने जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट किए थे। तो इस तरीके से आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। बाकी भी कोई क्वेरी होती है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके और भी रीजनल सेंटर्स की ओर से जैसे भी आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस और लिंक शेयर किए जाएंगे, तो हम आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे। थैंक यू।